इस कोर्स के अंदर हम देखेंगे देखें सामने कुछ क्वेश्चंस आपके सामने नज़र आ रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर इस कोर्स के अंदर हम ये सारी चीज़ें कवर करेंगे कि हम एम एस वर्ड को इस्तेमाल कैसे करेंगे ठीक है पहला पहला सवाल उसका जवाब भी यहाँ पर लिखा हुआ है लेकिन उसके अलावा ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊँगा इसी तरह फिर दूसरा सवाल जो है इसका एम एस वर्ड का जो एडिटर है जिस पर काम करना है वो नज़र कैसे आता है ये सामने आपके सामने स्क्रीन शो हो गई है इसमें एक चीज़ बताई हुई है देखें ये जो है ये एक्टिव टैब्स हैं ये जो पूरा पोर्शन है रिबन है उसके बाद बेसिक्स हैं डॉक्यूमेंट्स हैडर है डॉक्यूमेंट एरिया है हमारे पास व्यू बटनज हैं जूम स्लाइडर है सही हो गया ये नीचे सारे ऑप्शन ये आपको जो नज़र आ रही है पूरा हमारा एम एस वर्ड का एडिटर है जहाँ पर हमने काम करना ये रूलर बार है ऊपर देखें जहाँ पे होम इंसर्ट पेज लेआउट लिखा हुआ ये एक्टिव टैब्स हैं क्या कहते हैं इसको टैब्स और उसके अंदर फिर उसका जो पोर्शन होता उसको है उसको रिबन कहते हैं इसी तरह फिर अब आगे मुख्य सवाल है कि एम एस वर्ड को ओपन कैसे करते हैं ये लिखा हुआ है जी स्टार्ट में जाके मैं हम एम एस वर्ड टाइप करके उसको ओपन कर सकते हैं या इसकी एक शॉर्टकट की होती है विंडो आर का बटन दबाएँ उसके अंदर विन वर्ड लिखें तो ओपन हो जाएगा अब ये टाइप्स जो एम एस वर्ड की जो फाइल्स बनती हैं उसकी टाइप्स क्या हैं जिसको एक्सटेंशन कहा जाता है डॉट के बाद जो वर्ड्स आते हैं यहाँ पर नीचे देखें मैंशन है डॉट डी ओ सी डॉट डी ओ सी एम डॉट डी ओ सी एक्स डॉट ये डिफरेंट सेट डॉट पी डी एफ इस हम सेव कर सकते हैं इनको उसके बाद फिर ये हमारे आज तक कितने वर्जन आ चुके हैं एमएस वर्ड के ये भी पता होना चाहिए लेकिन 2018 का भी है रिलीज़ हो चुका है 2019 में अब जो सबसे पहला था वो आया था 1900 देख लें कब नबे में तो ये बैक के वर्जन हैं मैक हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें जो एम वर्ड होता है उसमें इस्तेमाल होता है ये तो बेसिक चीज़ें जो अभी बताई हैं आपको अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर्स में टाइम टेबल बनाना सिखाऊंगा स्कूल्स के टाइम टेबल कैसे बनते हैं तो सबसे पहले हम एमएस वर्ड को ओपन कर लेंगे एम एस वर्ड का पेज आपके सामने स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा ठीक है अब ये जो हमने बनाना है ना टाइम टेबल इस ये जस्ट टेबल्स में बनेगा हम टेबल में इसको इन्जर्ट करेंगे और उसके बाद उसकी सेटिंग करेंगे उसकी सेटिंग कैसे होगी सब्जेक्ट्स कैसे ऐड करने हैं वो सारा दिखाता हूँ मैं आपको सबसे पहले आप कहाँ पे गए पेज लेआउट में ठीक है हमने पेज सेलेक्ट कर लेना जैसा पहले बताया था मैंने हाँ। में यहाँ पे लैंडस्केप हमने सेलेक्ट करना है क्योंकि टाइम टेबल थोड़ा बड़ा होता है तो लैंडस्केप पेज ज़्यादा बेहतर रहता है उसके लिए पेज सेलेक्ट करने के बाद हमने क्या करना है जी अब नेक्स्ट जो है अपना फॉर्मेट देखना है सबसे पहले जो हमारे पास होगा कि कितने सब्जेक्ट्स हैं उस हिसाब से रोज एंड कॉलम इंसर्ट में चले जाना है देखिए सामने नज़र आ रहा है आपको और टेबल के ऊपर क्लिक करके हमने ये देखिए ऑटो तरीका टेबल इंसर्ट करने का पहले जो बताया था मैंने आपको आज उसकी इंप्लीमेंटेशन बता रहा हूँ कैसे करना है तो हम अपने या इंसर्ट कर लेंगे यहाँ से हम अपने रिक्वायर्ड फील्ड्स के हिसाब से यहाँ पे रोज़ एंड कॉलम्स की तादाद जो है यहाँ पे लिख लेते हैं हमें जी कॉलम्स कितने चाहिए वो हम यहाँ पर मैंशन कर देते हैं उसके बाद नंबर ऑफ़ रोज़ भी नौ हमें कॉलम्स चाहिए नाइन हमने लिख दी कॉलम्स और नाइन हमने लिख दी रोज़ नाइन बाई नाइन का टेबल और ओके okay कर दिया ये हमारे सामने टेबल बन गया अब हमने करनी है इसकी सेटिंग और इसको कन्वर्ट करना है टाइम टेबल फॉर्मेट में इसको नीचे से पकड़ा और इसको बड़ा कर दिया मैंने तो इसका साइज़ क्या हो गया इंक्रीज़ हो गया अब पूरे टेबल को क्या कर लिया मैंने सेलेक्ट कर लिया सही है सिलेक्ट हो गया इसके बाद लेआउट ऑप्शन में चले जाना है ले ऑप्शन में जाने के बाद हमें क्या करना है टेक्स्ट डायरेक्शन सेट कर लेनी है मतलब जो हम इसके अंदर लिखेंगे वो टेबल में कहाँ पे नजर आएगा अगर लेआउट का ऑप्शन ना हो तो पूरे टेबल को सिलेक्ट करने के बाद आपने राइट right क्लिक करके ना टेबल प्रॉपर्टीज़ में चले जाना है वहाँ पे आपने लाइन सेट कर लेना है टेक्स्ट का उसके बाद फिर क्या है हमारे पास मर्ज सेल हमने क्या किया पहली लाइन पूरी सेलेक्ट करके मर्ज के ऊपर क्लिक कर दिया देखें वो मर्ज हो गया मतलब उसकी जितनी लाइन्स थी वो सारी की सारी क्या हो गई हैं गायब हो गई है तो मर्ज कैसे किया जाता है एक तरीका यह है कि आप लेआउट में जाके कर वहाँ से मर्ज पे क्लिक कर दें अदरवाइज़ तमाम कॉलम्स या रोज जिसको आपकी रिक्वायरमेंट है उसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके मर्ज पे क्लिक कर सकते हैं अब इसके अंदर टेक्स्ट लिखा अब इससे ये क्या कर रहे हैं इसका साइज़ इंक्रीज़ कर रहे हैं टाइम टेबल लिखा होम टैब में जाके साइज इंक्रीज़ का ये ऑप्शन है बताया हुआ मैंने उसका कलर चेंज करना है तो उसका बैकग्राउंड कलर हम चेंज कर लेते हैं ये सामने से ये सारे ऑप्शन साथ साथ आपको दिखा रहा हूँ मैं ठीक है यहाँ से अब जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसका भी कलर हमने चेंज कर लिया बैकग्राउंड का कलर ब्लू रख दिया जो टेक्स्ट है उसका वाइट रख लिया अब नीचे वाले कॉलम दोबारा मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ सिलेक्ट करने के बाद अब जी इसका फॉन्ट जो है इन सबको हमने सेलेक्ट कर लिया सिलेक्ट करने के बाद अगला स्टेप सब मैं आपको बताता हूँ क्या करना है सेलेक्ट किया उसके बाद तरीका बता रहा हूँ एक लाइन को अलहदा से सिलेक्ट कर सकते हैं दूसरी को भी अब दूसरी लाइन को हमें सेलेक्ट किया लेआउट में गया दोबारा मर्च के बटन पर क्लिक कर देंगे तो ये हमारी दूसरी लाइन भी क्या हो गई मर्च हो गई यहाँ पे ऊपर सबसे पहले हमने टाइम टेबल लिखा नीचे क्लास का नेम लिख दिया कि ये किस क्लास के लिए हम टाइम टेबल बना रहे हैं अब ये जो टेक्सट लिखा गया इसके भी हम मैसेज सेटिंग कर लेते हैं इसका साइज़ बड़ा कर लेते हैं सेम वही प्रोसेस रिपीट करेंगे सही हो गया उसका कलर बैकग्राउंड जो भी अगर आप चेंज करना चाहते हैं वो कर लें टेक्स्ट का कलर चेंज करना है टेक्स्ट का कलर चेंज कर लें आप तो ये खूबसूरत सा एक डिज़ाइन बनता जा रहा है टाइम टेबल बनाना बहुत ही आसान होता है स्कूलों में जो होता है ना आप लोग भी बना सकते उनको स्कूल अक्सर जो है ना टाइम टेबल बनवाते हैं तो ये भी डिज़ाइनर्स जो होते हैं वो बनाते हैं तो अब यहाँ पे अब क्या कर लेते हैं फर्स्ट पहला जो कॉलम है यहाँ पे इसमें हम लिख लेते हैं जी डेज लिख लेते हैं मंडे ट्यूजडे वेडनसडे ये सारा हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया अब इन डेज़ में हम देख लेते हैं क्या क्या कौन कौन से पीरियड्स जो हैं वो लगाने पहला पीरियड किस चीज़ का दूसरा किसका तीसरा चौथा ये सारे इसमें हमने फिर ये कॉलम जो ये सिलेक्ट कर लिया ये ब्रेक के लिए यूज़ कर लेते हैं चार पीरियड के बाद ब्रेक लेआउट में जाके मर्ज कर लेंगे या ऐसी कॉलम के ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो मर्ज का ऑप्शन आ जाएगा जिसके पास लेआउट ना हो वो इसी के ऊपर राइट क्लिक करेगा मर्ज का ऑप्शन आ जाएगा तो यहाँ पे हम ब्रेक लिख लेते हैं क्लियर हो गया ये अलाइन टेक्स्ट है अलाइन कर दें आप इसके डायरेक्शन चेंज कर दें ये डायरेक्शन में यहाँ से ना मिले तो आप राइट क्लिक करके इसके टेबल प्रॉपर्टीज़ में जाके अलाइन कर सकते हैं इसके बाद फिर आगे नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है ये चीज़ हम अभी देख लेते हैं जी हमने क्या किया इसका साइज़ क्या कर लिया बड़ा कर लिया जो टेक्स्ट हमने यहाँ पे लिखा हुआ उसके है उसके बाद इस तमाम की सेटिंग कर लेनी है उसका साइज़ बड़ा करना है छोटा करना है ये ताकि वाजिया चीज़ें नज़र आए जब ये प्रिंट निकले तो टाइम टेबल जो है ना वो पढ़ा जा सके अब पहला हमने कॉलम फिर सेलेक्ट कर लिया इसको राइट क्लिक करके मर्ज कर लेते हैं या लेआउट में जाके मर्ज के ऑप्शन के ऊपर हम क्लिक कर देते हैं मतलब ये है कि मंडे से लेके कर सैचरडे तक फर्स्ट पीरियड जो है हमारा वो किस चीज़ का मैथ का है। यहाँ पर सब्जेक्ट का नाम लिख दिया दूसरा इसी तरह हमने वो भी सिलेक्ट कर लिया उसमें इंग्लिश लिख दिया कि मतलब फ़र्स्ट और सेकंड जो है ना वो किस चीज़ के मैथ के और इंग्लिश के हैं इसी तरीके से आगे अगर तब्दीलियाँ करनी है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं सब्जेक्ट्स के नाम जो है वो लिख देते हैं कॉलम्स के अंदर तो इसी तरीके से सिंपल सा फॉर्मेट है ये सिंपल सा तरीका है इसको इस्तेमाल करके आप खूबसूरत सा डिज़ाइन बना सकते हैं आप डिज़ाइन में तब्दीली भी कर सकते हैं हंस पे ज़ायका <laughs> अपने हिसाब से किस तरह से इसको तब्दील करना है ये सब्जेक्ट्स के नाम लिख दिए यहाँ पे मैंने कंप्यूटर एप्लीकेशन ये सारे बयाोलॉजी हिस्ट्री है ये सारे सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पर मैंशन कर दिए तो यहाँ पर ये अब हमारा जो टाइम टेबल है वो रेडी हो चुका है तो ये इस तरह से ये चीज़ें बनाई जाती हैं आपको पेपर बनाना भी सिखाएंगे ये सारी चीज़ें जो है ना साथ साथ मेंशन कर दी जाएंगी आप लोग बस नोट्स बनाएं और अभी तक कौन कौन